हेलो फ्रेंड्स, कुवैत में फुल लॉकडाउन हो गया, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत सारी दुकानें खुली रहेगी, बहुत सारी चीज़ें खुली रहेगी, आप सोच भी नहीं सकते हो आप ये सब चीज़ें खुली रहेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी दुकानें कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेगी। तो ये ऑफिशियल है दोस्तों, और कुवैत गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लिस्ट जारी की है, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, अगर आप कुवैत में रहते हो तो कुवैत की पल पल की अपडेट पल पल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो जैसा कि ये देख सकते हो, ये जारी किया हुआ है कुवैत गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी लिस्ट चालू रही, कौन कौन सी चीज़ें चालू रहेगी देख लेते हैं। फटाफट बोलता हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। द फॉलोइंग फैसिलिटी आर ऑपरेटिंग नॉर्मली ड्यूरिंग द टोटल लॉकडाउन। टोटल लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहेगी, जैसे सबसे पहले आएगा ए टी एम मशीन जितनी भी हो सब के सब चालू रहेगी। पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, आप कर सकते हो ए टी एम मशीन के थ्रू। पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन, ये सारे खुले रहेंगे। पेट्रोल स्टेशन भी, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे आपको पेट्रोल भरवाने के लिए। अगर ड्राइवर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एयर कंडीशन के मेंटेनेंस सेंटर है या लेबर वर्क है, वो सारा चालू रहेगा। एयर कंडीशन की किसी का ख़राब हो गया तो मेंटेनेंस चालू रहेगा, आप मेंटेनेंस करवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है वो सब चालू रहेगी, लेकिन कौन कौन सी बंद है ये मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया है कौन कौन सी बंद रहेगी। लेकिन जहाँ पर बीमारी नहीं है, वो सब के सब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चालू रहेगी। और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद भी है, जिसका मैंने एक लिस्ट भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो जाके। गैस सिलेंडर रिफिलिंग, गैस सिलेंडर जहाँ पे भी आपको रिफिलिंग करवाना है, वहाँ पर जाकर पहले की तरह ही करवा सकते हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। कुवैत सप्लाई सेंटर जितने भी हैं, कुवैत का सप्लाई, जहाँ से फूड सप्लाई होता है, जहाँ से दवाइयाँ सप्लाई होती है, जहाँ से कुछ भी सप्लाई होता है, वो सब चालू रहेगी। अगला है दोस्तों, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर जिसको बोलते हैं, वो सब के सब चालू रहेगी। दवा लेने कहाँ जाओगे तो मेडिकल स्टोर चालू रहेगा। फिर कुवैत फ्लोर मिल एंड बेकरीज, तो बेकरीज की जितनी दुकानें हैं, फ्लोर मिल्स की, आटा चक्की की दो दुकानें हैं, या रेडीमेड जो भी मिलता है, वो सब दुकानें चालू रहेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो। उसके अलावा सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ये भी चालू रहेंगे, जहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी सामान खरीद सकते हो, ये जाके परमिशन लेकर, ऑनलाइन नहीं लेना चाहते परमिशन लेकर जाकर भी खरीद सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, हॉस्पिटल, आप बोलोगे तो मुझे पता ही है, तो मुझे पता है कि आपको पता है, इसलिए हॉस्पिटल तो खुले ही रहेंगे। तो ये न्यूज़ दोस्तों, ये आई है कहाँ की तरफ से दोस्तों, कुवैत गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने लाकर आपको बताया, इसलिए बताया ताकि आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर वीडियो को शेयर भी करें।